hear from the youth of the country what they have to say about their conception of positive India. बहुत अच्छा असर है क्योंकि अब जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन जो बड़े स्टेप्स थे वो खत्म हो चुके हैं, तो जो बड़े स्टेप ले गए अब वो सेटल होते जाएंगे धीरे धीरे और आगे आने वाले साल में हमारी जो जीडीपी है वो ग्रोथ ही ग्रो करेगी। आई थिंक जो गवर्नमेंट जो कर रही है वर्क पॉजिटिवली वर्क कर रही है और हमको भी वो दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है, वो धीरे धीरे अच्छा करेगी और जो एनपीए है वो भी प्रोग्रेसिव मतलब उसमें भी थोड़ा वर्क करेगी जिससे जो हमारी एसेट्स हैं वो हमारे यूज में आए और गवर्नमेंट उस पर फोकस अगर ज्यादा करे तो वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट सबके लिए क्रिएट होगा। पिछले साल के कंपैरिजन में 2017 में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं इस बार, है ना। ये बोलो नरेंद्र मोदी या फिर अरुण जेटली सब लोगों ने कुछ ना कुछ स्कीम्स लॉन्च किया है जिसकी वजह से बहुत फायदा हुआ है। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को फोकस करके ये लाइक मेनी स्कीम्स जैसे हमारा मुद्रा योजना हुआ, ये अटल पेंशन योजना हुआ, है ना, ये सब चीज़ों को इंक्लूड किया है और ये सब चीज़ों को ताकि लॉन्च किया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जो हमारे पब्लिक है नॉर्मल सिटीजन से वो सारे लोग अपनी कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके। मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम करे हैं और इसमें एक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसमें वो छोटे सेक्टर के लोगों को मदद की जाती है, उनको लोन दिए प्रोवाइड करे जाते हैं, जैसे कि अब सारे जो अनएम्प्लॉयड होते हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता है, जो काम नहीं करना चाहते किसी के अंडर, वो अब आराम से खुद लोन लेके आराम से काम वाम कर सकते हैं। That's all we had in this edition.